नमस्कार दोस्तों, श्याम क्लास सीरीज में आपका स्वागत है। अपने पिछली कक्षा में राजस्थान के भौतिक प्रदेश के बारे में अपने बात की थी, जिसमें अपन ने राजस्थान का पहला भौतिक प्रदेश उत्तर पश्चिम अरुणाचल प्रदेश के बारे में अपने कुछ बात की थी, जिसमें अपन ने बता दिया था कि कौन से क्षेत्र में उत्तर पश्चिम अरुणाचल प्रदेश कितने क्षेत्र में फैला हुआ है, कौन सी जलवायु पाई जाती है, वहाँ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी अपन ने बताए थे जिसके बारे में अपने चर्चा की थी, जिसमें अनुप्रस्थ क्या है, अनुदैर्ध्य क्या है, बरखान क्या है, इनके बारे में बात की थी। अब आगे बात करते हैं इससे संबंधित की कुछ बातें शेष रह गई थी इस भौतिक प्रदेश में, तो अपन बात करते हैं उसमें। सबसे पहले कुछ जो बच गया तो उत्तर पश्चिमी अरुणाचल प्रदेश के बारे में, उत्तर पश्चिमी, उत्तर पश्चिमी ये पहला भौतिक प्रदेश है, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। देखो दोस्तों, उत्तर पश्चिम अरुणाचल प्रदेश के बारे में अपन बात करते हैं तो आगे बात करते थे कि ये उत्तर पश्चिम अरुणाचल प्रदेश, ये उत्तर पश्चिम अरुणाचल प्रदेश राजस्थान के कुल कितने जिलों में फैला हुआ है, ये राजस्थान के कुल 12 जिलों में फैला हुआ है। दोस्तों एक बार मैं आपको थोड़ा सा राजस्थान का मैं बता रहा हूँ और मैं भी बताऊँ कि कौन कौन से जिलों में ये फैला हुआ है उत्तर पश्चिम अरुणाचल प्रदेश। तो एक बार दोस्तों देखो, ये आपका मैप हो गया, ये आपका उत्तर पश्चिम अरुणाचल प्रदेश इतने जिलों में ये फैला हुआ है, कितने जिलों में फैला हुआ है उत्तर पश्चिम अरुणाचल प्रदेश, 12 जिलों में फैला हुआ है। कितने जिलों में फैला हुआ है, 12 जिलों में। एक नंबर गंगानगर, दो नंबर बीकानेर, तीन नंबर जोधपुर, चार नंबर बाड़मेर, पांच नंबर जालौर, ठीक है। फिर उसके बाद में छः नंबर जोधपुर, छः नंबर जोधपुर, जोधपुर के बाद में सात नंबर आपकी पाली, पाली के बाद में आठ नंबर आपका नागौर, नागौर के बाद में दोस्तों देखो नौ नंबर आपका हनुमानगढ़, दस नंबर आपका हो गया हनुमानगढ़ के नीचे आएगा चूरू, चूरू के बाद में आएगा झुंझुनू, ग्यारह नंबर, और बाद में सीकर का उत्तरी भाग हो गया। तो ये राजस्थान के लगभग 12 जिलों में फैला हुआ है इसका, ये उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश कितने जिलों में फैला हुआ है, तो 12 जिलों में फैला हुआ है। और इसका कार्य कुल कितने जिलों में फैला हुआ है मुस्तल का, तो 16 जिलों में इसका कार्य प्रगति पर है। अब उसके बाद में उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश, दोस्तों दूसरा प्रश्न आता है कि उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश को राजस्थान की कौन सी वर्षा रेखा दो भागों में बांटती है, तो राजस्थान को तो कितने, राजस्थान को दो भागों में कौन बांटता है, एक तो आता है कि राजस्थान को दो भागों में बांटने का कार्य कौन करता है, एक तो आएगा आपकी अरावली पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला, यह अरावली पर्वतमाला राजस्थान को दो भागों में बांटती है। दूसरा 50 सेमी वर्षा रेखा, 50 सेमी वर्षा रेखा भी राजस्थान को दो भागों में बांटती है। राजस्थान को दो भागों में बांटने का कार्य किसका है, या तो आएगा अरावली पर्वतमाला उसमें, या क्या आएगा फिर 50 सेमी वर्षा रेखा। दूसरा आता है 25 सेमी वर्षा रेखा, यह 25 सेमी वर्षा रेखा क्या करता है, जो उत्तर पश्चिम अरुणाचल प्रदेश है ना, इस उत्तर पश्चिम अरुणाचल प्रदेश को दो भागों में बांटने का कार्य कौन करता है, उत्तर पश्चिम अरुणाचल प्रदेश को, तो 25 सेमी वर्षा रेखा इसको दो भागों में बांटती है। अब इसके दो भाग कौन कौन से दोस्तों, तो देखो उत्तर पश्चिम अरुणाचल प्रदेश को दो भागों में बांटने का कार्य कौन कर रहा है, तो 25 सेमी वर्षा रेखा, जबकि राजस्थान को दो भागों में बांटने का कार्य कौन करता है, तो 50 सेमी वर्षा रेखा या अरावली पर्वत माला। अब 25 सेमी वर्षा उत्तर पश्चिम अरुणाचल प्रदेश को दो भागों में बांटता है, इसका पहला प्रश्न है कौन सा भाग है पहला, तो इसका पहला प्रश्न पश्चिमी, पश्चिमी पश्चिमी प्रदेश, दूसरा भाग इसका राजस्थानी बागर, राजस्थानी बागर, ये इसके दो प्रदेश, दो भाग हो गए इस उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश को कौन बांटता है दो भागों में, तो 25 सेमी वर्षा रेखा दो भागों में बांटने का कार्य करता है। अपन इसके बारे में बात करी थी इसमें कौन कौन से जिले आते हैं पश्चिमी, पश्चिम प्रदेश में कौन कौन से जिले आते हैं, तो इसमें एक तो आएगा आपका श्रीगंगानगर, श्रीगंगानगर, गंगानगर के नीचे आएगा आपका बीकानेर, बीकानेर के नीचे आपका आएगा जैसलमेर, जैसलमेर के नीचे आपका आएगा बाड़मेर, और बाड़मेर के नीचे आपका आएगा जालौर, जालौर, और ये बच गया आपका जोधपुर, जोधपुर। ये जिले यानी कि गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर और जोधपुर, ये आते हैं कौन से प्रदेश में आते हैं, तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में आते हैं। और बाकी के जो बच गए जो सात जिले, जो वो सात जिले आते हैं राजस्थानी बागर में। अब राजस्थानी बागर में कौन कौन से, देखो कौन कौन से बेसिन है राजस्थानी बागर में, तो राजस्थानी बागर में देखो चार प्रदेश प्रमुख रूप से हैं, एक तो आपका आएगा घग्गर बेसिन, घग्गर बेसिन, दूसरा आपका आएगा शेखावाटी बेसिन, शेखावाटी बेसिन, तीसरा आपका आएगा लूनी बेसिन, लूनी बेसिन, और चौथा आपका आएगा आपका कौन सा, यानी कि कांथनी नदी का है ना, जिसको अपने देखो नाली भी बोल सकते, नाली बेसिन, नाली भी बोल सकते, या अयोध्या प्रदेश, अयोध्या, अयोध्या प्रदेश। अब देखो
गग्गर नदी के अपवाह क्षेत्र को, गग्गर नदी के अपवाह क्षेत्र को राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है? तो नाली के नाम से जाना जाता है। गग्गर नदी राजस्थान के कितने जिलों में बहती है? तो ये राजस्थान के दो जिलों में बहती है, एक तो गंगानगर में, एक हनुमानगढ़ में। और गग्गर नदी के इस अपवाह क्षेत्र को गंगानगर और हनुमानगढ़ में नाली के नाम से जाना जाता है। और इस नाली नदी के आसपास के क्षेत्र में नाली नामक एक किस्म पाई जाती है भेड़ी की, तो यहाँ पर नाली किस्म की होगी। अब उसके बाद में दूसरी है आपकी शेखावाटी। शेखावाटी प्रदेश में देखो, शेखावाटी प्रदेश को अपन और किस नाम से जानते हैं? तो इसको दूसरा इसका नाम है बागगढ़। बागगढ़ देखो, एक तो बागगढ़ आता है, एक आता है बांगर या बागगढ़। तो बांगड़ और बागढ़, इन दोनों में अंतर देखो क्या है दोस्तों। एक में तो देखो बांगड़ में नीचे बिंदु लगी हुई है, एक में ऊपर बिंदु लगी हुई है। जो ऊपर वाला जो बांगड़ आएगा ये तो आएगा आपका शेखावाटी में, जबकि जो नीचे वाला है ये नीचे वाला कहाँ आएगा? ये नीचे वाला आपका आएगा डूंगरपुर, डूंगरपुर और एक बांसवाड़ा, डूंगरपुर बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ के क्षेत्र को बांगड़ के नाम से जाना जाता है। जबकि बागड़ जो ऊपर बिंदु है वो शेखावाटी, यानी कि शेखावाटी देखो ऊपर आएगा, डूंगरपुर बांसवाड़ा ही नीचे आएगा। तो इन दोनों में आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, बांगड़ आता है कि नीचे बिंदु आती है तो वो तो जाएगा डूंगरपुर बांसवाड़ा में, और बागड़ ऊपर बिंदु है तो वो क्या आएगा आपका शेखावाटी प्लस एक नागौर। शेखावाटी प्लस एक नागौर का क्षेत्र आता है, उसे बागड़ के नाम से जाना जाता है। अब शेखावाटी में एक नदी बहती है जिसका नाम है कांतली। कौन सी नदी है? कांतली। तो कांतली नदी के अपवाह क्षेत्र को राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है? जो कांतली नदी राजस्थान में शेखावाटी क्षेत्र में बहती है ना, तो इसके प्रवाह क्षेत्र को राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है, यानी कि उसका स्थानीय नाम? तो शेखावाटी क्षेत्र में इसको तोरावाटी के नाम से जाना जाता है दोस्तों। गग्गर नदी के अपवाह क्षेत्र राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है? तोरावाटी के नाम से जाना जाता है। और पिछली कक्षा मैंने बताया था आपको शेखावाटी क्षेत्र में जो कुएं होते हैं ना उनको किस नाम से जाना जाता था? तो एक तो जोहड़, एक नाड़ा और एक सर, इनके बारे में अपने बात की थी पिछली कक्षा में। जोहड़ तो क्या है, शेखावाटी में कच्चे कुओं को किस नाम से जाना जाता है? तो जोहड़ के नाम से जाना जाता है दोस्तों। फिर उसके बाद में नाड़ा, नाड़ा क्या है, शेखावाटी में जो पक्के कुएं होते हैं ना उसको स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? नाड़ा के नाम से जाना जाता है। और शेखावाटी में तालाबों को किस नाम से जाना जाता है? तो सर के नाम से जाना जाता है दोस्तों। अब उसके बाद में आ गया लूनी बेसिन, यानी कि लूनी नदी, और लूनी नदी के अपवाह क्षेत्र को राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो गोडवाड़ प्रदेश के नाम से। किस नाम से? लूनी बेसिन को किस नाम से जाना जाता है? गोडवाड़, यहाँ गोडवाड़ी भाषा भी बोली जाती है, तो गोडवाड़ी भाषा भी बोली जाती है। और लूनी नदी के अपवाह क्षेत्र को राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है? गोडवाड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है। तो नाली के बारे में मैंने बता दिया। अयोध्या क्षेत्र गंगानगर और हनुमानगढ़ में अयोध्या क्षेत्र आ गया। एक आती है थली, ये थली भी कहाँ है? गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और चूरू में फैला हुआ है। तो थली है गंगानगर, हनुमानगढ़, उत्तरी राजस्थान को क्या किस नाम से जाना जाता है? थली के नाम से। ये हो गया आपका पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। अब पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में देखो दो प्रश्न आपको और बता रहा हूँ थोड़ा बेसिक। एक तो आती है आपकी 56 की पहाड़ी, एक तो क्या है 56 की पहाड़ी, दूसरा आपका 56 का मैदान, 56 की पहाड़ी और 56 का मैदान। दोस्तों इनमें कंफ्यूज क्या होता है, 56 की पहाड़ी और 56 का मैदान। देखो 56 की जो पहाड़ी है, ये 56 की पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? तो बालोतरा का नाम सुना है, बालोतरा कहाँ पड़ता है? बाड़मेर में। तो बालोतरा से लेकर के सिवाणा कहाँ पड़ता है? सिवाणा जालौर में है। तो बालोतरा से लेकर सिवाणा के मध्य की पहाड़ियों को, मध्य की पहाड़ी, बालोतरा से लेकर, बालोतरा बाड़मेर में है और शिवाणा का है जालौर में। तो बालोतरा से लेकर शिवाणा के मध्य की पहाड़ियों को किस नाम से जाना जाता है? 56 की पहाड़ी को। और इस 56 की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? तो नाकोड़ा पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। इस नाकोड़ा पर्वत का आकार कैसा है? तो गोलाकार है। कैसा है? गोलाकार है, ठीक है। 56 की पहाड़ी बालोतरा से लेकर शिवाड़ा के मध्य की पहाड़ी को 56 की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। इसको स्थानीय भाषा में नाकोड़ा पर्वत के नाम से जाना जाता है दोस्तों। और नाकोड़ा पर्वत का आकार या 56 की पहाड़ी का आकार कैसा है? तो गोलाकार है। इस 56 की पहाड़ी के ऊपर, 56 की पहाड़ी के ऊपर एक गाँव है जिसका नाम है पिपलूद गाँव। ये पिपलूद गांव किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न है, ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। तो देखो दोस्तों किसके लिए प्रसिद्ध है पिपलूद गांव कहाँ पड़ता है? तो ये पिपलूद गांव कहाँ है? बाड़मेर में है। और इस पिपलूद गांव में राजस्थान में, देखो अगर प्रश्न पूछेगी
राजस्थान में सबसे ज्यादा वर्षा कहां पर होती है? तो राजस्थान में सबसे ज्यादा वर्षा वाला जिला तो कौन सा आपका? झालावाड़ है। तो राजस्थान में सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो आपका जैसलमेर है। फिर इसके बाद में दूसरा प्रश्न आता है, राजस्थान में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो माउंट आबू सिरोही। तो राजस्थान में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कहाँ है? तो मैंने बताया था आपको सम जैसलमेर, ये सबसे कम वर्षा वाला स्थान हो गया सम, और सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान हो गया आपका माउंट आबू। अब बात करते हैं पश्चिमी राजस्थान में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है? तो स्थान आए, तो कौन सा स्थान है? तो ये आपका पिपलूद गाँव है ना, पिपलूद गाँव बाड़मेर। तो पिपलूद गाँव में सबसे अधिक वर्षा होती है। पश्चिमी राजस्थान में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो पिपलूद गाँव। तो इस पिपलूद गाँव को बोलते हैं मारवाड़ का माउंट आबू। क्या बोलते हैं इसको? मारवाड़ का माउंट आबू। मारवाड़ का माउंट आबू के नाम से किसको जाना जाता है? तो पिपलूद गांव को जाना जाता है मारवाड़ का माउंट आबू के नाम से। इस मारवाड़ इस पिपलूद गांव में एक हल्देश्वर महादेव का मंदिर है। किसका मंदिर है? हल्देश्वर महादेव का मंदिर भी है दोस्तों। अब उसके बाद में दूसरा प्रश्न, छप्पन की पहाड़ी, तो छप्पन का मैदान, छप्पन की पहाड़ी के बाद में दूसरा प्रश्न था छप्पन का मैदान। छप्पन का मैदान देखो दोस्तों, एक तो डूंगरपुर प्रमुख रूप से, तो दो जिले आते हैं, एक तो आपका प्रतापगढ़ आता है, प्रतापगढ़ और एक बांसवाड़ा। प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा ये दो जिले हैं। प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में माही नदी, कौन सी नदी है दोस्तों? माही नदी के उत्तरी प्रवाह है। उत्तरी प्रतापगढ़ और बांसवाड़े में माही नदी के उत्तरी प्रवाह क्षेत्र को छप्पन का मैदान के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ऐसा बताया जाता है कि यहाँ कुल छप्पन नदी नालों का समूह है। कुल छप्पन नदी नालों का समूह होने के कारण यहाँ पर कुल छोटे बड़े कितने हैं? 56 नदी नाले हैं, तो उनके कारण इसका नाम क्या पड़ गया? छप्पन का मैदान। तो छप्पन का मैदान कौन कौन से जिलों के अलावा है? प्रतापगढ़ और बांसवाड़ में। अगर दो दो जिलों का जोड़ाता है तो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा आएगा, अगर तीन जिलों का जोड़ाता है तो बाद में आपका डूंगरपुर हो जाएगा, क्योंकि माही नदी तीन जिलों में बहती है, प्रतापगढ़ बांसवाड़ा और डूंगरपुर में। तो ये दो जिले हैं, अगर तीन तीन के जोड़े आते हैं तो आपका अगला जिला कौन सा आ जाएगा आपका? तो ये डूंगरपुर आ जाएगा। अब उसके बाद में दोस्तों ये बोती प्रदेश आपका एक हो गया। अब दूसरा बोती प्रदेश है कौन सा? अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला के बारे में दोस्तों देखो, पहले मैं आपको आकार बता रहा हूं कि अरावली पर्वतमाला ये आपका राजस्थान का मैप हो गया। राजस्थान के मैप में बताएंगे कि राजस्थान अरावली पर्वतमाला राजस्थान में किधर फैली हुई है, कौन सी दिशा में फैली हुई है, उसका आकार कैसा है, उसकी कुल लंबाई कहाँ है, कितनी है, उद्गम कहाँ से होता है। तो देखो उत्तर पश्चिम हिमाचल प्रदेश के बारे में मैंने बात कर ली, ये आपका उत्तर पश्चिम हिमाचल प्रदेश हो गया एक नंबर। अब दूसरा आपका प्रदेश आपका ये प्रदेश आपका आ गया कौन सा? अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला का देखो दोस्तों आकार से आपको लग रहा है कि इसके आकार कैसा है, अरावली पर्वतमाला का आकार कैसा है? तो वीणा के समान है। किसके समान है? वीणा। वीणा के समान आकार का कौन सा प्रदेश है? तो आपका अरावली पर्वतमाला वीणा के समान आकार का है। अब देखो दोस्तों इसकी अरावली पर्वतमाला की शुरुआत तो कहाँ से होती है, इसका अंत कहाँ पर होता है, कहाँ से लेकर कहाँ तक ये फैली हुई है, कितने राज्य में फैली हुई है? तो देखो दोस्तों एक तो यहाँ गुजरात, दूसरा आपका आ गया राजस्थान के बाद में यहाँ आपका आ गया कौन सा? हरियाणा। तो तीन में फैली हुई है, हरियाणा राजस्थान और गुजरात, और यहाँ केंद्र शासित प्रदेश आपका दिल्ली में रायसीना की पहाड़ी, कहाँ? रायसीना की पहाड़ी राष्ट्रपति भवन तक फैली हुई। अब देखो दोस्तों सबसे पहले प्रश्न था कि अरावली पर्वतमाला की शुरुआत कहाँ से होती है, तो शुरुआत होती है इसकी अरब सागर में। इसकी ऊंचाई कम होने के कारण ये दिखाई नहीं देती है, पहली बार ये एक दिखाई कहाँ पर देती है, यानी मैदानों में कहाँ पर आती है? तो इसकी शुरुआत होती है गुजरात में, दिखाई कहाँ देती है? गुजरात में स्थान है पालनपुर गुजरात से ये पहली बार दिखाई देती है मैदानों में। तो पूछेगी इसकी शुरुआत तो कहाँ से होती है, उद्गम कहाँ से होता है? तो पालनपुर गुजरात में होता है, और फिर उसके बाद भी इसका अंत कहाँ पर होता है? तो हरियाणा में रायसीना की पहाड़ी राष्ट्रपति भवन तक इसका अंत होता है। अब उसके बाद में अगर पूछे कि उद्गम कहाँ पर होता है, अगर पालनपुर भी ऑप्शन में है और अरब सागर भी ऑप्शन में है, तो आपको पहले क्या करना है? अरब सागर करना है, क्योंकि इसका उद्गम पहले कहाँ होता है? अरब सागर में। लेकिन अरब सागर में इसकी ऊंचाई कम होने के कारण ये दिखाई नहीं देती है। तो दोस्तों इसका उद्गम हो गया
पालनपुर गुजरात से लेकर कहाँ रायसीना की पहाड़ी राष्ट्रपति भवन तक और राजस्थान में भी जाती है। तो ये तीन राज्यों में फैली हुई है, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में फैली हुई है। दोस्तों अगली कक्षा में पढ़ेंगे इसके बारे में विस्तार से।